नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कोरोना अब तक गया नहीं है और नई महामारी डराने के लिए सामने आ गई है। ये महामारी दरअसल बर्ड फ्लू है। देश के कई राज्यों में परिंदों के लगातार मरने से बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। खैरियत यह है कि अब तक पक्षियों से इंसान तक ये संक्रमण नहीं पहुंचा है। कोरोना गया नहीं, एक महामारी ने दस्तक दे दी। ये बेजान परिंदे कोरोना से जूझते भारत में एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। खतरनाक बर्ड फ्लू का हाल के दिनों में मरते परिंदे डरा रहे हैं। इनमें दूसरे देशों से आए प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं, जो ठंड के महीने में भारत का रुख करते हैं। खतरा एक नहीं, देश के कई राज्यों में है। हिमाचल से लेकर केरल तक और गुजरात से बंगाल तक परिंदों के मरने की खबरें आ रही हैं। सबसे ज्यादा मामले राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखे गए हैं। राजस्थान के झालावाड़, भरतपुर, नागौर, दौसा, पाली, कोटा, जैसलमेर समेत कई जगहों पर प्रवासी पक्षी और कौवे मृत पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर, आगरमालवा, इंदौर, खरगोन में ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार और केरल के अलपुझा में भी पक्षियों की मौत की खबरों ने राज्य सरकारों को अलर्ट कर दिया है। पक्षियों की मौत की पहली खबर 25 दिसंबर को पहली बार राजस्थान के झालावाड़ से आई। यहां बालाजी मंदिर परिसर के आसपास सैकड़ों कौओं के मृत पाए जाने से हड़कंप मच गया। ये सिलसिला यहीं नहीं थमा। 5 दिनों से लगातार यहां कौओं की मौत ने प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। यहां अब तक 250 से ज्यादा कौए मृत मिले हैं। जांच के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पूरे इलाके को जीरो मोबिलिटी घोषित कर दिया गया है। पास के जो भी मुर्गी पालक हैं उनके सैंपल्स लिए जाने, उनको सैंपल्स को वापस भोपाल ले भिजवाया जाएगा और वहाँ यदि संक्रमण नहीं पाया जाएगा तो ठीक है। यहाँ बाकी जो हमारा जो कंटेनमेंट जोन है उस पर पुलिस की, नगरपालिका और सारे जो विभिन्न विभाग हैं उनकी निगरानी जारी है। राजधानी जयपुर में तो जल महल में 10 कौवे मरे मिले। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। आनंद फानंद में सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए, जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। कौवे अभी मृत मिले हैं और 5 लाइव मिले हैं। जो जिंदा कौवे मिले हुए वो जू के डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है। 7 कौवे और क्षेत्र से मिले हैं, इनके सैंपल कलेक्ट करके भोपाल भेजे जा रहे हैं। जैसलमेर के ढाणी इलाके में भी 10 कौओं की मौत से प्रशासन अलर्ट पर है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर 5 मृत कौओं के सैंपल भोपाल के इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जांच के लिए भिजवाए। मुख्यमंत्री गहलोत के इलाके दौसा में भी अलग अलग जगहों में कौओं के साथ बगुलों की मौत की खबरें आ रही हैं। सभी के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। प्रशासन अब पक्षियों पर पैनी नजर रख रहा है। कोटा का भी यही हाल है। यहाँ के रामगंज मंडी में अब तक करीब 76 पक्षी मर चुके हैं। इनमें से 51 कौए, 25 कबूतर और 6 मुर्गियां हैं। लेकिन यहाँ प्रशासन इन सब से बेपरवाह है। पाली में कौए की मौत के बाद 2 जगहों पर धारा 144 लगा दी गई है। वन कर्मचारियों ने PPE किट पहनकर इन मरे हुए कौओं को बॉक्स में पैक करके जांच के लिए भोपाल भेजा है। खैरियत ये है कि अब तक किसी इंसान में बर्ड फ्लू का संक्रमण नहीं मिला है, लेकिन ये एक बड़ा खतरा है। जयपुर से शरद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो बर्ड फ्लू का पहला मामला राजस्थान में आया, फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी परिंदों के मरने की संख्या तेजी से बढ़ रही है। डराने की बात यह है कि ठंड में प्रवासी पक्षी भी काफी संख्या में भारत आते हैं और ये कोई कई राज्यों में पहुंचते हैं। डर इस बात का भी है कहीं परिंदों से इंसानों में ये संक्रमण फैल ना जाए। बर्ड फ्लू को लेकर मध्य प्रदेश भी हाई अलर्ट पर है। सूबे के अलग अलग इलाकों में लगातार हो रही कौओं की मौत डरा रही है। 23 दिसंबर से अब तक यहां करीब 500 कौओं की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मंदसौर में 200 कौए मिले, वहीं आगरा मालवा के करीब 200, इंदौर में 142, खरगोन में 13 और सीहोर में 9 कौए बेजान पाए गए। मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह ने आज तक से खास बातचीत में बर्ड फ्लू की पुष्टि की। अब राज्य भर में पोल्ट्री फार्म और प्रवासी पक्षियों पर कड़ी नजर रखने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा बर्ड फ्लू का खतरा तो नहीं कहना चाहिए इसको, हालांकि जो वायरस का जो टाइप है वो बर्ड फ्लू जैसा ही है और उसकी पुष्टि भी हो चुकी है, लेकिन वायरस के स्ट्रेन जो उसका जो
उसका कहना चाहिए उसमें जो बीमारी फैलाने की क्षमता वो बहुत कमज़ोर है और वो सिर्फ कौवों तक सीमित है, कौवों का ही स्ट्रेन पाया गया है ये, इसलिए इसको अपन बहुत ज़्यादा घातक बीमारी बोल ही नहीं सकते। मंदसौर में पिछले हफ्ते से कोर्ट परिसर में लगातार कौओं की मौत हो रही है, लेकिन प्रशासन की नींद सोशल मीडिया पर वायरल खबर के बाद खुली। आनन फानल में सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए, जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। अब कलेक्टर ने सख्त दिशा निर्देश जारी कर पोल्ट्री फार्म और परिंदों पर नजर रखने को कहा है। जी हाँ, अभी ये 3-4 दिनों में जो है कोर्ट परिसर में कौओं की मौत का मामला आया था, तो इसमें जो है सैंपल हमने लिए थे, 4 बर्ड्स हमने इसके कलेक्ट करके स्टेट DI लैब को भेजे गए थे और वहाँ से हाई सिक्योरिटी लैब भोपाल में गए थे, जहाँ से आज शाम को हमें इसकी पुष्टि प्राप्त हुई है कि चारों बर्ड जो कौओं में एवियन इन्फ्लुएंजा के लक्षण पाए गए हैं। आगरा मालवा में भी कौओं की मौत का आंकड़ा 200 से ज्यादा का हो चुका है। राजस्थान सीमा से सटे इलाकों में दहशत ज्यादा है, लोगों को डर है कि कहीं बर्ड फ्लू पक्षियों से इंसानों तक न आ जाए। पक्षी सर शाम को जैसे आते हैं बहुत सारे, होता क्या है कि 10-20 कौवे पहले तो पेड़ से नीचे गिरते हैं, उसके बाद में थोड़े थोड़े उड़ने या चलने लग जाते हैं, एक आध घंटे बाद थोड़े बहुत हिलते हैं, इसे करके 8 से 10 घंटे में उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे लखुआ टाइप गर्दन मुड़ जाती है, पाँव काम नहीं करता है, जैसे मर रहे हैं 40-50 कौवे रोज मर रहे हैं यहाँ पे। झाबुआ में कड़कनाथ को बर्ड फ्लू से बचाने की कवायद तेज हो गई है। कड़कनाथ मुर्गों को इम्यूनिटी बूस्टर डोज दिए जा रही है, डोज में देसी हल्दी से लेकर विटामिन डी और ई का लिक्विड शामिल है। धर्मशाला के पोंग झील के किनारे तड़प तड़प कर दम तोड़ते इन पक्षियों की तस्वीर चेतावनी है कि वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है। महज 3 दिनों में बर्ड फ्लू वायरस 5 राज्यों को लांघ चुका है। बर्ड फ्लू वायरस जितना पक्षियों के लिए घातक है उतना ही इंसानों के लिए भी है। संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने से वायरस इंसानों को चपेट में ले सकता है। संक्रमण होने पर पीड़ित शख्स को कफ, डायरिया, सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण दिखते हैं। इसके अलावा मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश और बेचैनी भी बर्ड फ्लू के लक्षण हैं। संक्रमण गंभीर होने पर पीड़ित शख्स की जान भी जा सकती है। ताज़ा मामलों में अभी तक पक्षियों से किसी इंसान के संक्रमित होने की खबर नहीं आई है, लेकिन प्रभावित राज्य इसे लेकर बेहद सतर्क हो गए हैं। फौरी तौर पर ये हम जान पाए हैं कि H5N8 का संक्रमण हुआ है, जो चूंकि H5N8 का संक्रमण केवल वाइल्ड प्रजाति की जो बर्ड्स होती हैं उनमें पाया जाता है, तो अभी जिन कौओं की बारे में बात हो रही है, दिल्ली कॉलेज में भी काफ़ी कौओं की मृत बॉडी पाई गई थी और उन लोगों का उनका जब सैंपल किया गया था तो सैंपल की रिपोर्ट में H5N8 का संक्रमण पाया गया। H5N8 का संक्रमण जनरली वाइल्ड स्पीसीज में होता है। दूसरा, इसका पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहीं पर भी ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं देखा गया है, सो अभी डरने की कोई और पैनिक जैसी कोई सिचुएशन नहीं। कोरोना महामारी से निपटने के सरकार की मुसीबतों को कई गुना बढ़ा सकता है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी और भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो बर्ड फ्लू को लेकर मध्य प्रदेश हाई अलर्ट पर है, पोल्ट्री से लेकर प्रवासी पक्षियों पर भी नजर रखी जा रही। प्रशासन को यह डर है कि कहीं पक्षियों से महामारी लोगों तक ना पहुंच जाए। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश से सटे हुए राजस्थान में लगातार कौओं की मौत हो रही थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश में जो इलाके हैं खासतौर से राजस्थान की सीमा से सटे हुए मंदसौर, आगर मालवा, यहां पर भी कौओं के मरने का सिलसिला जब शुरू हुआ तो सरकार हरकत में आई। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कौओं की लगातार मौत हुई। कुल मिलाकर के सरकार ने जो अब तक आंकड़ा जारी किया है उसके मुताबिक बीते 10 दिनों में 300 से ज्यादा कौए जो है वो मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में मृत पाए गए हैं। सामूहिक तरीके से उनके शव जो है वो मिले हैं कई जगहों पर, और इसीलिए इसे देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौओं की मौत फिलहाल इंदौर जिले में देखी गई है, इसके बाद मंदसौर और आगर मालवा में भी बहुत संख्या में, सैकड़ों की संख्या में फिलहाल जो कौए हैं वो मरे हैं। इनकी जो रिपोर्ट्स है ये भोपाल की लैब में भेजी गई थी, जहां से इंदौर और मंदसौर में जो कौए मरे पाए गए हैं उनके
जो शव थे उनमें वायरस डिटेक्ट हुआ है बर्ड फ्लू का, और इसके बाद ही ये अलर्ट जारी किया गया है मध्य प्रदेश में। जो सभी पशुपालन अधिकारी हैं जिलों में जो पदस्थ हैं उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वो विशेष ध्यान रखें और नगर निगम के साथ मिल करके सफाई अभियान को चलाएं, खासतौर से ऐसी जगहों पर जहां पर बड़ी संख्या में पक्षी रहते हैं, चिड़ियाघर के आसपास का इलाका हो या इस तरीके के हरियाली वाले इलाके हों या फिर कोई तालाब या झील का किनारा हो, यहां पर नजर रखने को कहा गया है। राहत की बात यह है कि फिलहाल जो वायरस कौओं में पाया गया है वो अभी मुर्गियों में नहीं फैला है, लेकिन सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि पोल्ट्री जो प्रोडक्ट्स हैं, खासतौर से पोल्ट्री फार्म जो है उन पर विशेष निगरानी रखी जाए। और ये जो समय होता है मध्य प्रदेश में ये प्रवासी पक्षियों के लिए होता है, बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी मध्य प्रदेश में पहुंचते हैं, उन पर भी विशेष निगरानी के आदेश सरकार ने जारी कर दिए हैं। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। तो ये तो बात हुई बर्ड फ्लू के खतरे के बारे में जो अभी तक दो राज्यों में देखा गया है, लेकिन अब बात वैक्सीन के ट्रायल के टेस्ट की। तो वैक्सीन पर देश भर में मचे घमासान के बीच आज उत्तर प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन शुरू हो चुका है। सभी 75 जिलों में सुबह 10 बजे से काम शुरू हुआ। यूपी में वैक्सीन के ड्राई रन से पहले आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने इस मुहिम का हिस्सा वो बने और देखिए ड्राई रन का ये एक्सक्लूसिव टेस्ट। भारत में दो दो वैक्सीन को हरी झंडी मिल गई। वैक्सीन लगाने की तारीख जल्द आने वाली है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि वैक्सीन लगती कैसे है। आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने देसी वैक्सीन कोवैक्सीन के थर्ड ट्रायल में हिस्सा लिया। इस वैक्सीन का जो ट्रायल है वो इस वक्त अपने आखिरी फेज में, थर्ड फेज में, और उत्तर प्रदेश में कानपुर के प्रखर अस्पताल में इसके थर्ड फेज का ट्रायल चल रहा है। मैं कुमार अभिषेक हूँ और मैं खुद इस ट्रायल का हिस्सा बनने जा रहा हूँ और खुद देखेंगे कि आखिर इस वैक्सीन के का जो ट्रायल है वो कैसा होता है और इसका इफेक्ट क्या होता है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के थर्ड फेज के ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए कुमार अभिषेक कानपुर के प्रखर अस्पताल पहुंचे, जहां ये ट्रायल चल रहा है। वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए वॉलंटियर के तौर पर खुद को एनरोल करना होता है। ये वो प्रोसेस है जिससे गुजरना मस्ट, यानी कि आपके कोरोना का टेस्ट होना तय है। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे वैक्सीन नहीं दिया जाएगा, कोरोना नेगेटिव होने पर ही उन्हें ये वैक्सीन दिया जाएगा। तो हम इस प्रोसेस से इस वक्त गुजर रहे हैं। वैक्सीन से पहले एंटीबॉडी टेस्ट से गुजरना पड़ता है, फिर RT-PCR टेस्ट होता है। अगर कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव होती है तो ये वैक्सीन नहीं दी जा सकती। जो जरूरी ब्लड टेस्ट है उसके बाद आपको कोरोना के RT-PCR टेस्ट से गुजरना होता है। तो ये वो प्रोसेस है जब वैक्सीन के पहले, काफी पहले आपको इस RT-PCR टेस्ट से गुजरना होता है। वैक्सीन लगाने से पहले कोवैक्सीन की टीम ने कुमार अभिषेक को वैक्सीन के बारे में बताया, इसके संभावित साइड इफेक्ट्स के बारे में समझाया। वैक्सीन पड़ने के बाद कोई समस्या नहीं, बिल्कुल ठीक। कहा जाता है कि किसी किसी में फीवर आता है, अगर फीवर आए तो ये कहा जा रहा है कि बेहतर है, क्योंकि तब इसका मतलब वैक्सीन काम कर रहा है। हालांकि बहुत लोगों में वैक्सीन पड़ा लेकिन उन्हें फीवर नहीं भी आया। तो वैक्सीन के बाद अगर फीवर आता भी है तो किसी तरह की चिंता नहीं, घबराहट नहीं। ट्रायल के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर GS कुशवाहा ने खुद कुमार अभिषेक को वैक्सीन लगाई। वैक्सीन बिल्कुल एक आम वैक्सीन की तरह ही लगती है। कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक का कोरोना का वैक्सीन है, उस वैक्सीन का ट्रायल जो थर्ड फेज का ट्रायल है वो मैंने खुद अपने ऊपर भी लिया था। 11 दिसंबर को कानपुर के प्रखर हॉस्पिटल जहां पर इसका थर्ड फेज का ट्रायल चल रहा था, मैंने खुद पे इस वैक्सीन को लिया। कोई भी साइड इफेक्ट इस वैक्सीन का अभी तक
मेरे ऊपर देखने को नहीं मिला। कुमार अभिषेक, आज तक। देसी वैक्सीन कोवैक्सीन विवाद थम नहीं रहा है इसको लेकर, और सवाल थर्ड ट्रायल के बिना मंजूरी को लेकर है। घेरे में सरकार है, कंपनी है, और कल तक भारत बायोटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर का उठने वाले सवालों पर दर्द भी छलका था। उन्होंने ये कहा था कि कोवैक्सीन पानी नहीं है। वैक्सीन ऑफ मेसर सीरम एंड भारत बायोटेक आर बीइंग अप्रूव्ड फॉर रिस्ट्रिक्टेड यूज इन इमरजेंसी सिचुएशन। भारत में देसी वैक्सीन कोवैक्सीन की मंजूरी के बाद सियासत नहीं थम रही। सवाल जल्दबाजी में मंजूरी को लेकर, सवाल ट्रायल को लेकर है, सवाल इस बात पर भी है कि कितना कारगर होता है। प्रोटीन पर आधारित कोवैक्सीन के पहले और दूसरे चरण में 800 लोगों पर ट्रायल हुआ। तीसरे चरण में 22,500 लोगों पर परीक्षण करने का दावा किया गया, लेकिन फाइनल नतीजा क्या रहा इसका कोई आंकड़ा नहीं है। कोवैक्सीन पर उठते सवालों के बीच भारत बायोटेक ने दावा किया कि ट्रायल डेटा में पारदर्शिता न होने की बात गलत है। भारत बायोटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा अल्ला का सवालों पर दर्द छलका। उन्होंने कहा कि हम वैज्ञानिक 200% ईमानदार हैं। पानी नहीं है हमारी वैक्सीन। नॉट अ प्रीमैच्योर अप्रूवल फॉर अस। इफ आई हैव अ प्रीमैच्योर अप्रूवल, माय अदर इंडियन कंपनी विद 100 पीपल इम्यूनाइजेशन डेटा विद ओनली 1000 पीपल सेफ्टी डेटा। भारत बायोटेक ने दावा किया है कि सिर्फ भारत में ही अपनी वैक्सीन का ट्रायल नहीं किया गया, बल्कि ब्रिटेन सहित 12 देशों में उसकी वैक्सीन के ट्रायल हुए हैं। अब सवाल है कि क्या कोवैक्सीन बैकअप वैक्सीन है? Google clearly says that only for an emergency situation, keeping in mind the circulating variant strain, and at the same time they have to continue to do the trial and get the data in. So once that data comes in, we will be able to be more confident as far as the safety and efficacy is concerned. So I think in the beginning it will be basically Serum Institute of India, the AstraZeneca vaccine which will be given. They already have 50 million doses available, and they will be able to give that to the initial phase where we will vaccinate around 3 crore. We are conducting clinical trial not just in India. Many people accuse me just being in India, oh, we are hiding all the clinical trial. But I just look at it. We have more than 12 countries we have done a clinical trial, including UK. We have done 2 clinical trials. It is not that we are an Indian company. We are doing a lot of clinical trials, various part of it. We have done 1 million children have been volunteered in our clinical trial, which I will touch upon a little bit. We have proven that India can innovate. India is not a copycat country. India can innovate. And we are the first conjugate vaccine we developed. वैक्सीन जान बचाने के लिए है। अगर कोई सवाल है तो जवाब मिलना चाहिए। कोई संदेह है तो इसे दूर किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना संक्रमण के नए स्ट्रेन के बढ़ते संकट के चलते फिर से देश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। एक तरफ ब्रिटेन में कोरोना की वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। ब्रिटेन में नए कोरोना का खौफ, लगातार बढ़ते संक्रमण से डरा ब्रिटेन। अस्पतालों में बड़े मरीज, बड़ा टेंशन। हालात पर काबू पाने के लिए पूरे ब्रिटेन में लॉकडाउन। पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन का जोर है, मुहिम चल पड़ी है टीकाकरण की। उन सब के बीच कोरोना की एक और घातक लहर की आशंका से ब्रिटेन का पसीना छूटने लगा है। अभी मार्च 2020 से शुरू हुई संक्रमण की रफ्तार थमी भी नहीं थी कि कोरोना के नए स्ट्रेन ने टेंशन में डाल दिया। अब वही स्ट्रेन ब्रिटेन की नींद उड़ा चुका है। हालात इतने गंभीर हो गए कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को दोबारा लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा है। एक ऐसा ही ऐलान मार्च 2020 में हुआ था। जून तक पूरे ब्रिटेन में लॉकडाउन था। जरूरी सेवाओं को छोड़कर लोगों को घरों से निकलने की मनाही थी। उद्योग, कारोबार सब ठप थे। ठीक वैसा ही फैसला फिर लेना पड़ा है। दोबारा लॉकडाउन की वजह से फिर से स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। गैर जरूरी दुकानें भी बंद रहेंगी। ब्यूटी पार्लर और अन्य पर्सनल केयर सर्विसेज पर भी पाबंदी लगा दी गई है। रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे। गैर जरूरी दफ्तरों को भी बंद रखने का फैसला किया गया है। ऐसी पाबंदी लॉकडाउन के पहले फेज में ही ब्रिटेन ने देखी थी, लेकिन तब से हालात काफी बदल चुके हैं। पहले कोरोना के केस कम आ रहे थे, खौफ ज्यादा था।
अब वो डर नए वायरस का है। ब्रिटेन में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। अगस्त से लेकर अब तक के आंकड़े इस बात के संकेत दे रहे हैं कि ब्रिटेन की मुसीबत बढ़ती जा रही है। 4 अगस्त 2020 को ब्रिटेन में नए मामले 670 सामने आए थे, वहीं 4 सितंबर को नए मामलों की संख्या 1940 हो गई। 4 अक्टूबर को एक दिन में नए केस का आंकड़ा 22,961 हो गया, जबकि 4 नवंबर को 25,177 नए केस सामने आए, वहीं 4 दिसंबर को 16,298 नए केस दर्ज किए गए और एक दिन पहले यानी 4 फरवरी को 58,784 नए केस सामने आए। आंकड़े बता रहे हैं कि हाल के दिनों में ब्रिटेन में नए मामलों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इसके पीछे कोरोना का वही स्ट्रेन है जो करीब 70% तेजी से संक्रमित करता है। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन में नए वेरिएंट की वजह से कोरोना संक्रमण काफी तेजी से बढ़ा है, तो मौत के मामले भी 20% बढ़ चुके हैं। सिर्फ लंदन में ही नए वेरिएंट के 60% से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। ब्रिटेन में दोबारा लॉकडाउन के जरिए कोरोना को मात देने की तैयारी है। इसका असर करीब 5.5 करोड़ लोगों पर पड़ेगा। माना ये जा रहा है कि नया लॉकडाउन फरवरी के आखिर तक जारी रहेगा। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।